तो डियर फ्रेंड, आप सभी को पता होगा कि हमारा ये हमारी जो क्लासेज है सिलेक्शन विद प्रदीप पे चैनल पे बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से चल रही है। इससे पहले हमने आर्टिकल स्टार्ट किया था एंड आर्टिकल में मैंने खत्म करवा दिया था, इनडेफिनेट आर्टिकल संस्पायर इनडेफिनेट आर्टिकल मीन्स ए एंड एन को ख़त्म करवा दिया था एक पार्ट में। अभी सेकेंड पार्ट है, इसमें क्या होगा, इसमें भी डेफिनेट आर्टिकल को ख़त्म करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल मतलब आर्टिकल एक ऐसा चैप्टर है डियर, जो मैं नहीं बोल, आप खुद बोलोगे कि भाई हर एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। हर एग्ज़ाम, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ता जिसमें आता नहीं। हर एग्ज़ाम, भले ही आप कोई एसएससी की बात करो, ठीक है, भले ही आप बात करो डिफेंस की, भले ही आप बात करो और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उनमें सब में आने वाला चैप्टर है। तो आई थिंक इसको बहुत ही आपको सीरियस लेना चाहिए। एंड डियर, आपकी मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप जैसे मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ बढ़ रहा हूँ, आपका जो बेसिकली वो फंडा है कि जो आपको जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा हूँ, वो है कि आपको जो अटेंशन मुझे तो लगता था कि आप वैसे भी सपोर्ट करोगे एंड बहुत ही अच्छे तरीके से पेड कोर्स की तरफ इसको पढ़ोगे, बट आप नहीं पढ़ रहे दोस्त। आप क्यों नहीं पढ़ रहे? आपने मैं बात करूँ कंजंक्शन चैप्टर की, ठीक है, मैंने बताया था, तो कंजंक्शन चैप्टर ने आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा एंड डिग्री चैप्टर को तो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो इन दोनों चैप्टर को छोड़ रहे हो, ठीक है, क्या आई थिंक दैट्स नॉट गुड, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इन चैप्टर्स को आप बेसिकली क्यों छोड़ रहे हो? एंड प्रोनाउन को तो आपने देखा ही नहीं होगा, क्यों? नाउन एक चैप्टर पढ़ने से आपका काम हो जाएगा, तो फिर तो बाकी चैप्टर्स क्यों पढ़ो? नाउन पढ़ लिया, बात खत्म। डियर, आपको पूरा का पूरा पेड कोर्स की तरह पढ़ा रहा हूँ, पूरे की पूरी पेड कोर्स की तरह मेहनत कर रहा हूँ। इस आर्टिकल चैप्टर मैंने इतनी मेहनत की क्योंकि यह कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ता, एसएससी हो, भले डिफेंस हो, भले और भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हो, हर में आना कंपलसरी है और रहता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फिर भी आप इसको सीरियस नहीं लोगे। आई थिंक इससे पहले वाला पार्ट ने आपने देखा ही नहीं होगा, इसने भी नहीं देखोगे, बीच में छोड़ोगे, मुझे नहीं पता कि आप क्या करोगे। बट डियर, आप इस इंटेक को तो दो ही मत, क्योंकि आई थिंक आप नहीं सक्सेस हो पाओगे, ठीक है, बिल्कुल भी भाई बुरा लगे तो लगे, बट जो सच्चाई वो तो बताऊँगा, फर्ज है, क्योंकि लूटना मेरा काम ही नहीं है, तो लूटूंगा क्यों, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, आई थिंक मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए, स्टार्ट कर रहा हूँ आज की क्लास को। तो आज के जो चैप्टर हैं वे डेफिनेट आर्टिकल में आप पढ़ने वाले हैं, यहाँ आपकी PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, बट उसकी कंडीशन है कि आपको जो मैंने वीडियो अपलोड किया था संडे को, उसको जा करके देख लो, उसमें बताई गई छोटी सी बिल्कुल भी PDF आपको फ्री में मिलेगी, बट PDF आपको बिल्कुल भी फ्री में मिलेगी मेरे डियर, फ्री में मिलेगी, बट उसके लिए छोटा सा काम करना है, वो उस वीडियो में बताया गया है। आप जो मेरे कमेंट बॉक्स में, इसमें बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स में जाओ, मेरा यूज़र नेम मिल जाएगा @PRADEEP RATSOD, सॉरी एच से बीच में SOD। तो इस यूज़र नेम पर जाकर के मुझे आप मैसेज कर दोगे, तो मैं आपको PDF की जो पूरी पूरी जो किस प्रकार से प्रोसेस है बता दूंगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर चैप्टर को, ठीक है। तो यह सब हो गया, ओके। तो डियर, आपको यह समझ रहे हैं कि दे आर्टिकल यूज़ को बताते हैं, आर्टिकल आपको पता है तो नाउन से पहले यूज़ होता है। अब नाउन किस किस टाइप्स की हो तो हम दे आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, तो उनको अब मैं आपके लिए नोट कर रहा हूँ, आपको उनको साथ साथ नोट करते हुए चलना है, ओके। तो पहला है कि जब नाउन, मैं इनके टाइप्स नोट करते जा रहा हूँ, आपको बिल्कुल ही मेहनत से आपको इनको नोट करना होगा, उसको विदाउट मेकिंग एनी टाइप ऑफ बहाना, ठीक है। पहले कि जब कोई भी हेवेनली बॉडी दिख जाना, हेवेनली बॉडी, जैसे बात करूँ मून की, जैसे बात करूँ कि मैं यदि कोई अर्थ की, तो इस प्रकार से अर्थ है, मून है, इस प्रकार, बट एक इस प्रकार से भी यूज़ कर सकते हैं, जो है एटमोसफियर है, कोई मेरे पास इन्वायरमेंट है, कोई अक्सिस है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आगे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है मतलब आपको कोई भी न्यूज़पेपर का नाम हो, ठीक है, आपको ट्रेन का नाम हो, ठीक है, को आपको ट्रेन वे या एयर वे का नाम हो, ओके। एंड बिल्कुल ही अब आपको, मुझे नहीं पता आप किस प्रकार से नोट करना, बट नोट करते जाना है, ओके। या आपको कोई भी ओली बुक दिया हो,
वाली बुक दिया हो, ओके, या आपको दिया हो मीन्स कोई भी रिवर का नाम दिया हो, ठीक है, कोई भी सी का नाम दिया हो, ठीक है, कोई भी ओशियन का नाम दिया हो, ठीक है, कोई भी आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिया हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बिल्कुल भी एक आइलैंड दे दिया तो नहीं यूज़ कर सकते, सिंगल के लिए यूज नहीं कर सकते, सिंगल के लिए यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप बताएं, मैंने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बता दिया, एंड आपको यदि दे दिया गया हो माउंटेन का नाम दे दिया ग्रुप ऑफ माउंटेन्स का, सॉरी रेंज ऑफ रेंज ठीक है, रेंज ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स उनके लिए यूज़ करना, बट यदि स्पेशल कोई पीक की पोर्ट पीक है या हिल है उसकी चोटी का नाम दे दिया तब यूज नहीं करेंगे, ओके। जैसे बात करें माउंट एवरेस्ट के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बट हिमालय है उसके लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आप बढ़े, आपको स्पेसिफाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई नाउन है मतलब पहले डायरेक्ट नाउन आएगी तो इंडेफिनेट आएगी, बट उसी नाउन की आगे जाकर के बातें बताता है, मतलब बॉय फिर आगे बताएं आगे यूज़ करेंगे कि दे भी यूज़ करेंगे क्योंकि वो पर्टिकुलर किया जाता है। एंड हम एक प्रकार ये भी है कि जो आपको मील होता है आप बेसिकली मील से पहले कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करके, बट उसी मील को मैं बताता हूँ उनके मतलब शादी का मतलब मैरिज का मील है या आप राहुल गांधी के साथ कोई मील वजन किया तो इस पर फिर उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे और बढ़े, नेक्स्ट टाइप ये भी है डियर कि यदि यदि आपको कोई भी रिलीजन का नाम दे दिया गया, कोई भी रिलीजन जैसे हिंदू रिलीजन है, जैसे मुस्लिम रिलीजन, तो रिलीजन का नाम दे दिया गया, कोई भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव तो वो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी टेम्पल का नाम दे दिया तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी मतलब हिस्टोरिकल प्लेस दे दिया तब यूज़ कर सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेस को, कोई भी मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दे दिया तो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मैंने डांस का नाम दे दिया तो यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मैंने ठीक है तो और मैंने मान लो कि कोई भी ट्रॉफी है ट्रॉफीज या मैंने दिया कोई भी वर्ल्ड कप में दिए जाने वाले जो मतलब स्पोर्ट्स में दिए जाते हैं जो भी मतलब कोई भी प्रकार के अवार्ड हैं उससे पहले भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ें, नेक्स्ट है हमारा कि म्यूजिक मॉन्यूमेंट है, कोई भी मैंने क्रांति चलाई है मान लो मॉन्यूमेंट्स हैं, कोई भी बैटल है मान लो वॉर बैटल या वॉर उससे पहले यूज़ करेंगे, कोई भी रिवोल्यूशन है क्रांति चलाई हुई है जैसे मानकर सफ़ेद क्रांति है तो वाइट रिवोल्यूशन है, ठीक है, इस प्रकार से कोई भी मैंने सॉरी इसमें कुछ मैंने स्किप तो नहीं किया ना आई थिंक कुछ नहीं किया, बट अब बात करूँ ये मैंने उसमें मैंने मुझे डाउट भी था कि मैंने मेरे डिजीज़ का नाम होता है उससे आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो नहीं कर सकते, कोई भी स्पोर्ट्स से पहले यूज़ नहीं कर सकते, कोई वोल्केनो दिया हुआ उससे पहले यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब आई थिंक इतने टाइम्स कवर करवा दिए, अभी इनको आपको बता देता हूँ पीडीएफ से, ओके, लेट्स स्टार्ट द पीडीएफ, ओके। तो यह देखो मैं डियर विदाउट मेकिंग एनी टाइप ऑफ नॉइस, ओके, इसको देखो कि अब मैंने यहाँ पे देखा था इंडेफिनेट नाउन है, इंडेफिनेट नाउन, बट आगे जाकर के इसी को पर्टिकुलर करने पर यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ किया गया। अब इसी प्रकार से देखो, ही टोल्ड मी दैट ही द ड्रेस वॉज गिवन टू हीम बाई ए गर्ल, ए गर्ल दिया गया बट इसी से आगे जा करके द गर्ल हो गया वॉज एंड। अब बात करूँ ही हैड बीन मैरिड टू एन आई आर बट आगे जाकर द एन आई आर वॉज ए वेरी जीनियस जनरस, तो इस प्रकार से आपको देखना है कि इंडेफिनेट है फिर आगे जाकर डेफिनेट करने पर उस दे आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बिफोर माउंटेन रेंज से पहले यूज़ कर सकते हैं, बिफोर माउंटेन रेंज से भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखना है आपको विदाउट, मैंने बोला ही बार बार कि आप हिमालय जैसे एल्पेज है पूर्वज है मतलब जो कुछ वेस्टर्न गेट है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें माउंट एवरेस्ट से पहले इससे पहले यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दी ये एक पर्टिकुलर किए गए हैं एक पी के चोटी का नाम दिया गया है तो इससे पहले यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे तो अगला है मेरे डियर वो है कि बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स कैनल्स से पहले यूज़ कर सकते हैं, लेक से पहले यूज़ कर सकते हैं जैसे यमुना से पहले किया गया, ब्रह्मपुत्र से, गंगा से, वुलार लेक से, चिल्का लेक से, इस प्रकार से लेक से पहले यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे
ओके अगला है थर्ड है कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं बट नॉट सिंगल आइलैंड। सिंगल आइलैंड दिया गया यानी द श्रीलंका द अंडमान यानी पर्टिकुलर एक का नाम दे दिया पर मैंने तब यूज़ नहीं करेंगे बट यदि पूरे ग्रुप का नाम दिया तो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आप बढ़ें वो है नेम ऑफ सीज। सीज देखो रेड सी है अरेबियन सी है रेड सी है इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हो जैसे ओशियन का नाम है तो भी यूज़ कर सकते हो। आप यदि जैसे बात करूँ न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर बता दिया था मैंने टाइम्स ऑफ है हिंदू टाइम है इंडियन एक्सप्रेस है आप दैनिक भास्कर है इस प्रकार से उनके साथ उनके से पहले भी यूज़ कर सकते हो। बिफोर नेम ऑफ डेजर्ट डेजर्ट का नाम दिया मैंने बता भी दिया था कि डेजर्ट है रिवर्स है उनसे पहले यूज़ कर सकते हैं कैनल्स हैं गल्फ हैं बेज हैं उनसे पहले यूज़ कर सकते हैं। अब देखो अब आपको चुपचाप देख लेना है ओके अब आपको यूज़ ओके देख लो बिल्कुल भी यानी गोपी डेजर्ट है मतलब ये सारे डेजर्ट्स हैं उनसे पहले भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप वो है कि बिफोर गल्फ और बेज और बिफोर गल्फ से बेज हैं स्ट्रेट हैं उनसे पहले भी यूज़ कर सकते हैं तो उनके एग्जांपल्स आपको मैंने दे दिए आप उनको लर्न करिएगा। जैसे अब थोड़े से आपको देखना है तो देख लो इसमें क्या बताया जाए मैंने कि गल्फ ऑफ मेक्सिको है या कोई ये पलक ऑफ स्ट्रेट्स हैं या दे बे ऑफ बंगल्स हैं इस प्रकार से। ओके नेक्स्ट आगे अब मैंने होली बुक से भी पहले बताया था कि होली बुक से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। अब होली बुक से भी इस प्रकार से जैसे बाइबल है रामायण है गीता है पुराण है तो इससे पहले भी यूज़ कर सकते हैं। बिफोर ट्रेन एक्सप्रेस हैं राधानी एक्सप्रेस हैं सीतामढ़ी एक्सप्रेस हैं या एक्सप्रेस हैं या क्या भी या बात करूँ वंदे भारत हैं वे भी एक्सप्रेस हैं इनसे पहले भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगली बात करूँ हेवनली बॉडीज जैसे मून से पहले जैसे सन से पहले जैसे अर्थ से पहले जैसे मार्स से पहले भी यूज़ कर सकते हैं बट कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके यानी यह बॉडी नहीं है फिर भी हम उनसे हेवनली बॉडी नहीं फिर भी हम उनके साथ यूज़ करते हैं। जैसे उनके एग्जांपल्स बताता हूँ अभी ओके जैसे मैं बात करूँ उनके सॉरी जिनके एग्जाम्पल देते हैं जैसे एटमोसफियर से पहले मैंने यूज़ कर लिया जैसे मैंने इन्वायरमेंट से पहले यूज़ कर लिया या अब यह आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं बट यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है बट इनका आप नोट करते हैं इक्वेशन से पहले या साउथ एरिया से पहले या नॉर्थ नॉर्थन एमएसपीए से पहले एमी क्या बर्फ पड़ा है ठीक है ट्रॉपिक कैंसर एक्सिस से पहले तो इम्पोर्टेंट लगते हैं आपको उनको लर्न करनी है बट मैंने पूरे दे दिए। ओके नेक्स्ट आगे बढ़े वो है आप इनसे पहले भी यूज़ नहीं कर सकते जो एग्जांपल्स हैं उनसे अब एग्जांपल उनसे पहले यूज़ नहीं करते। जैसे बात करूँ नेम ऑफ हिल्स है तो हिल का नाम उससे पहले मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यूज़ नहीं कर सकते। मैंने बताया वोल्केनो के नाम से पहले यूज़ नहीं कर सकते मैंने बताया डिजीज के नाम से अब एक्सेप्शन इनसे एक्सेप्शन से डिजीज़ के जिनके साथ यूज़ भी किया जाता है आप नॉर्मली कोई जो भी बीमारी तो उनसे पहले यूज़ नहीं करते बट इन यह जो एक्सेप्शन है इनके लिए यूज़ किए जाते हैं ठीक है। एंड जो सीजन होती है उनसे पहले यूज़ नहीं करते बट यानी आगे यह एडजेक्टिव के रूप में दे दिया जाए इन समर को फिर हम यूज़ कर सकते हैं यानी सीजन ना हो रहा और यह एडजेक्टिव तब यूज़ करते हैं आप इसी इतना तो पता होगा। नेक्स्ट आगे वो आर्म फोर्सेज से पहले यूज़ करते हैं आर्म फोर्सेज हो गए ठीक है या आपको पॉलिटिकल पार्टीज हो गई तो उनसे पहले भी यूज़ कर सकते हैं या आपको यूनियन टेरिटरीज हैं तो सॉरी स्टेट के नाम से भी पहले भी यूज़ नहीं कर सकते बट यदि उसे जैसे मैं यूएस है इस प्रकार से तो यानी कि जो कंटेनिंग बॉडीज़ हैं उनसे पहले भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैंने बता दिया ठीक है ओके अब बिफोर द एम्पायर डेंसिटी से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। देखो डियर हर मैंने हर टाइप लिया तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा बेहतर यानी कि द वॉरियर डेंसिटी रॉयल डेंसिटी मुगल डेंसिटी इस प्रकार से डेंसिटी से पहले भी यूज़ कर सकते हैं यानी कि ये डायनेस्टी उनसे पहले यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल पोजिशन उनसे पहले यानी कि बिफोर द नेम्स ऑफ फिजिकल पोजिशन यानी कि द टॉप है द बॉटम है मतलब इस प्रकार से जो बताते हैं जो लेवल को डिफाइन करते हैं तो उनसे पहले भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ओके नोट कर चला
द एंड ताज महल है, रेड फोर्ट मैंने हिस्टोरिकल प्लेस बता दिया था, अब मैंने रिलीजन का नाम बता दिया था कि मैंने मोस्टली मैं इनसे पहले यूज़ करते हैं, यानी नेम ऑफ मोन्यूमेंट मोन्यूमेंट से पहले यूज़ कर सकता है, इक्विट इंडिया आंदोलन है तो यानी कि क्विट इंडिया है, या बात में सिविल और डिसोबिडिएंट मोन्यूमेंट है, इनसे पहले यूज़ कर सकते हैं। ओके, 20 नंबर का जो रूल है वो ये बोलता है कि द वाइट रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन से पहले बता दिया था, यानी यानी कि द नेम ऑफ इन्वेंशन जो खोज किए गए हैं, जो निर्माण किया गया, जैसे टेलीविजन है, टेलीफोन है, इनसे पहले भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल दिए गए, एग्जाम्पल आप खुद देख लेना। ओके, अब अगला है कि बिफोर द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे गिटार है, जैसे वायलिन, इनसे पहले भी यूज़ कर सकते हैं, बिफोर द डांस से भी पहले यूज़ कर सकते हैं, वो रूल आगे दिया होगा, एंड मैंने बैटल ऑफ वर्ल्ड से पहले भी बता दी थी, अब ट्रॉफीज एंड जो कप है उनसे भी पहले यूज़ किया जाता है, जैसे बात चैंपियन ट्रॉफी या वर्ल्ड कप है, इनसे भी पहले यूज़ किया जाता है, और मैंने नेम बैटल एंड वॉर तो बता दिया था। नेक्स्ट आगे वो है 9th नंबर है, सॉरी वो 25 नंबर का रूल ये बोलता है, द नेम ऑफ कंटेनिंग बॉडीज में, इससे पहले बता दिया, यूएसए से पहले जैसे सोवियत संघ है, इनसे पहले यूनाइटेड किंगडम, उनसे पहले यूज़ किए जाते हैं। देखो डियर, मैं जो नाम बोलता हूँ उसी को आपको ज़्यादा ध्यान में रखना, बाकी हर नाम आप लिखोगे तो बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएंगे, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन से पहले यूज़ किए जाते हैं, डायरेक्शन जैसे नॉर्थ है उनसे, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है, इनसे पहले यूज़ किया जाता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल इफ ए डायरेक्शन इज यूज इन द नेम ऑफ ए प्लेस, मैं प्लेस से प्लेस के लिए ये तरह यूज़ करें तो यानी जैसे वेस्ट बंगाल है, जैसे साउथ इंडिया, तो उनके उनसे पहले यूज़ नहीं किया जाता, जो आपके इस प्रकार से लिखा के भी गए, ठीक है। अब बिफोर ऑर्डिनल एजेटिव मैंने बता दिया था, यानी ऑर्डिनल एजेटिव कौन कौन से, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ, इस प्रकार से जैसे लास्ट भी एक ऑर्डिनल ही है। अगला है, यह क्या है, यह डियर एक एज है, आपको देखोगे सुपरलेटिव डिग्री का काम करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दे आर्टिकल यूज़ किया जाता है, आपको पता होता। ओके, अब इनसे इनमें तो आपको डाउट होना नहीं चाहिए। अब अगला है बिफोर द नेम ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल्स से नेम से पहले मैंने बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से बता भी दिया आपके साथ, यानी जैसे बात मीनाक्षी टेम्पल है, लोटस टेम्पल है, उनसे पहले। अब बिफोर द नेम, बिफोर द गेम एंड जो ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आता है, तो उनके उससे पहले भी यूज़ किया जाता है, जैसे मतलब ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ है, वर्ल्ड कप है, उनसे पहले यूज़ करता है। यानी नोट नेम सो स्पोर्ट्स है, यानी नो आर्टिकल फुट, जैसे फुटबॉल है, यानी स्पोर्ट्स के नेम से पहले यूज़ नहीं किया जाता है। बिफोर द नेम्स ऑफ एयरवेज एंड रेलवेज मैंने बता दिया था, जेट एयरवे, सीतामढ़ी एक्सप्रेस, इस प्रकार से रेलवे है या एयरवेज है, उनसे पहले यूज़ किया जाता है। अगला है मैंने डांस से बता दिया, यानी कि भरतनाट्यम में कथक लिया, जो बहुत सारे डांसेज हैं उनसे डांस से पहले भी यूज़ करता है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स से भी पहले यूज़ किया जाता है। ओके, अगला मैंने नेम ऑफ बैंक्स, बैंक का नाम जैसे SBI बैंक, उससे पहले यूज़ किया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ बड़ौदा, इस प्रकार से बैंक का नाम है, उससे पहले भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप है वो है नेशनलिटी, अब बताऊँ मैं, सॉरी आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है, वो है कोई लैंग्वेज, सॉरी एक पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, वो है लैंग्वेज। यदि लैंग्वेज आपको, यदि उसने दे आर्टिकल लैंग्वेज से पहले दे दिया, आर्टिकल लगा दिया जाए तो क्या बन जाता है, वह उसके नेशनलिटी शो करता है, ठीक है। यदि उसको दे आर्टिकल लगाने पर, उससे पहले दे आर्टिकल लगाने पर नेशनलिटी शो करता है, और वह क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, क्या बन जाता है, प्लूरल। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह लोगों को शो करेगा और वह प्लूरल बन जाता है। बट माय डियर, आप इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आप जो दे आर्टिकल लगा करके जो यूज़ कर रहे हो ना लैंग्वेज, तो डियर यदि दे आर्टिकल नहीं लगाया जाता है तो ये ओनली लैंग्वेज को शो करेगा, तब ये ओनली लैंग्वेज को शो करेगा, तब ये क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने बेसिकली समझाना था, वो समझा दिया। अब मैं लैंग्वेज का फंडा आई थिंक क्लियर भी कर दिया, यदि नहीं किया तो मुझे और बताओ, क्लियर है ये लैंग्वेज का काम, क्लियर है कि लैंग्वेज का जब दे आर्टिकल हो या न हो तब आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो ये मैंने 9th, ये 10th, ये 11th पेज बढ़ते हैं, सॉरी अब है डियर मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं तो वो उनके दे दिए, आप उनको देखें। अब है बेसिकली एक टाइप और समझना है, वो है द आर्टिकल प्लस पोस्ट दे दी जाए उसकी, मतलब कोई भी जैसे टीचर है तो कोई भी पोस्ट दे दी जाए तो वह शो करता है, डायरेक्ट आप समझ लो कि वह पर्सन को शो करता है, किसको शो करता है, पर्सन को। जैसे एग्जाम्पल आप देखो, यानी द टीचर, तो यह पोस्ट टीचर, अब यह मेन किसको शो करेगा, फिर आपको पर्सन को शो करें, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी,
तो यहाँ पोस्ट है, तो पोस्ट गलत भी आ गया। ओके नेक्स्ट आप पढ़ेंगे कि कुछ सम फ्रेजेस दैट डू नॉट एडमिट एनी आर्टिकल, यानी जो आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। ये आपके फ्रेजेस आप दिए बाई चांस है, बाई चेक हैं, एट रिस्क हैं, एट वर्क हैं, एट एंकर हैं, एट साइट हैं, यहाँ पी डी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप इसका रीड कर सकते हैं, एट हैं हमें, एट इज हैं, एट लास्ट हैं, इन इनफैक्ट हैं, बाय एक्सीडेंट है, बाय चेक हैं, बाय मिस्टेक है, बाय पोस्ट हैं, बाय रोड हैं, बाय शी हैं, बाय जो कुछ है, बाय इन हैंड है, इन कन्फ्यूजन है, इन ट्रबल है, इन डायलमा, इन डायलमा, इन डिटेल है, ऑन फुट है, इस प्रकार से। ओके नेक्स्ट आप बढ़ें, वो है डियर, यह जो फ्रेजेज और भी दी गए। अब मैंने मेल का कंसेप्ट बता दिया था कि जब ऐसे इसीलिए ऐसे इस प्रकार से यूज़ किया जाता है। सॉरी एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, तो डियर यह है कि मतलब ही डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ऐसे ही है, मीन ब्रेकफास्ट से पहले कोई भी यूज़ नहीं किया गया। बट यह करने से द लंच विद ए साउला हैज ऑलवेज बीन ए मेमोरी फॉर मी, मतलब जो चावला है मतलब जो कल्पना चावला, मतलब एक चावला एक कास्ट होती है, जो उनसे पहले उनके साथ जो लंच किया गया वह मेरे लिए क्या मेमोरी बन गई है, तो उससे पहले भी हम यूज कर सकते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हम दे आर्टिकल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बढ़ें, वो है 14 नंबर का रूल्स बोलते हैं कि वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ्स, मंथ्स हैं, डेज हैं या हॉबीज हैं, उनसे या गेम्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, उनसे पहले यूज़ नहीं करते हैं। गार्डनिंग, द गार्डनिंग इज आर माई हॉबी, तो गार्डनिंग बोल देते हैं, कभी भी ऐसा नहीं बोलते द गार्डनिंग। ओके सिंगिंग, इसमें सिंगिंग यूज किया जाएगा, सिंगिंग ऑफ लता मंगेशकर हैज हैव ऑलवेज बीन माई फेवरेट है, इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट आगे 13 पेज है, इस एक पेज एक दो पेज और बचे, ज़्यादा ऐसा कोई भी नहीं है, वर्कअप नहीं करेंगे आपके लिए भी, बिल्कुल ही तंबड़तोड़ तरीके से इसको ख़त्म कर किया मैंने। अब इसमें क्या बोला गया है कि वी डोंट, हाँ इसमें बेसिकली ये बोला गया है कि जो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं ना डियर, जो आर्टिकल यूज़ करते हैं वह यदि आर्टिकल यूज़ करना चाह रहे हैं, मतलब हॉस्पिटल हैं, जैसे हॉस्पिटल हैं, जैसे कोई टेम्पल हैं, जैसे कोई स्कूल है, जैसे कोई प्रिजन है, जैसे कोई प्रिजन है, तो डियर यदि उनसे पहले यदि आर्टिकल पहले तो है कि जब आर्टिकल यूज़ करते हैं, आर्टिकल यूज़ करते हैं, एक जब आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, तो इनका दोनों का अलग अलग मतलब है, वो मैं नीचे समझाता हूँ। यदि पहले तो यूज़ करते हैं, तो उनका मतलब जो मीनिंग है वो होगा चेंज, ठीक है, जो मीनिंग होगा उनका मीनिंग क्या हो जाएगा चेंज, वो फिर उसका जो उनका बेसिकली जो काम होता है, जो उस काम के लिए यूज़ नहीं किया जाता, जो काम है उनका काम फिर यूज़ नहीं किया, जैसे हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं फिर पढ़ाई नहीं होगी, यदि हम जेल जा रहे हैं फिर जेल नहीं जाना होगा। और सेकंड है यदि हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, तो उनका जो बेसिकली काम होता है वहीं जैसे स्कूल में जैसे पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई ही होगी, ठीक है, इनका जो काम है वो चेंज होगा, तब तो दे आर्टिकल यूज़ करेंगे, अब दे चेंज नहीं आना नहीं है तो हम उसका मीनिंग भी सेम होगा, बट यदि आ रहा है तो मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसको समझो इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो अब यहाँ पे देखो कि ही गोज टू द चर्च डेली, तो इसमें गलत है कि आपको इसमें यूज़ करना होगा चर्च ना कि द चर्च, बट द क्रिमिनल्स वाज टेकन टू द प्रिजन होगा, स्कूल ए इन फ्रंट ऑफ माई द स्कूल यूज़ करेंगे, फिर कौन सी, क्योंकि मेरी कॉलेज के सामने जो मतलब इज़ ए फेमस, तो ए स्कूल नहीं हो सकता ना यह स्कूल होगा, बट द स्कूल होगा। ओके नेक्स्ट टाइप है हमारा वो नो टेक इज बिफोर ने आफ्टर यूज इन, यानी नो आर्टिकल इज यूज्ड आफ्टर द फ्रेजेज, यानी जैसे इनसे पहले इनके बाद जो फ्रेजेज हैं उनसे पहले कभी यूज़ नहीं किया जाता, जैसे बात करूँ काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनसे पहले भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। अगला मैंने बता दिया कि जो यूएस हैं इस प्रकार से उनसे पहले द आर्टिकल यूज़ किया जाता है, बट कंटेनिंग बॉडी उनके लिए यूज़ किया जाता है, अदरवाइज यूज़ नहीं किया जाता है। अगला टाइप है द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए कॉमन नाउन, मतलब कॉमन नाउन से पहले भी यूज़ किया जाता है इन टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल के समझ लेना। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं मतलब यह जो काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंट है ना, फिर भी उसमें आर्टिकल यूज़ किया जाता है। अब अगला है नेक्स्ट है कि वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल आफ्टर द फ्रेज एंड पोस्ट रैंक, उससे आप बाद में फिर यूज़ पर्सन दिया गया तो उससे पहले यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, मतलब यह जब आपको दिए गए हैं यानी पोजीशन है, टाइटल है, रैंक है, पोस्ट है, जॉब है, इससे पहले बाद में कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। ओके नेक्स्ट टाइप है हमारा
नेक्स्ट कौन सा है, 46 है। ओके 46 रूल ये बोलते हैं कि एवरी वी डू नॉट यूज डिस्ट्रीब, यानी इससे इसके बाद में कोई ऐसी आर्टिकल आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जीक्यूटिव में उसके बारे में यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी पहले यूज़ किया जाता है, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। अगला है कि द एडजेक्टिव, मैंने इसमें बहुत बार बता चुका हूँ इससे पहले कि द प्लस एडजेक्टिव लगा दिया जाए मेरे डियर, द प्लस एडजेक्टिव बराबर में बन जाता है वो एम्बल प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो कर लो। नेक्स्ट टाइप है हमारा, तो मैंने इसमें बता भी दिया था एकदम पूरे द रीच है एग्जाम्पल से इनके। अब 49 नंबर रूल बोलते हैं वो है कि डियर अनकाउंटेबल नाउन से बेसिकली जनरली हम वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल, हम आर्टिकल बिफोर इंसिडेंट अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज़ नहीं किया जाता। जिस एग्जाम्पल दिए गए जैसे ऑनेस्टी से पहले कोई नहीं, तो उससे पहले कोई नहीं, ट्रूथ से पहले कोई नहीं, टी से पहले भी कोई नहीं यूज़ आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो अब मैंने बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से आपके साथ यह आर्टिकल ख़त्म किया है। डियर आर्टिकल बहुत ही बड़ा चैप्टर है, फिर भी मैंने साथ आपके साथ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए भी ख़त्म करने की कोशिश की, फिर भी ये बहुत बड़ा हो गया। तो मतलब आई थिंक आपको मज़ा तो आया होगा, नहीं आया तो यार इसमें कुछ नहीं कर सकता, आर्टिकल चैप्टर ऐसा है कुछ इसमें मैं समझा कुछ नहीं सकता ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको अब काम क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयरिंग, ठीक है। शेयरिंग आपकी रुकनी चाहिए, सॉरी शेयरिंग आपकी रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, आई थिंक। ठीक है तो मैं डियर सॉरी फॉर देट, मतलब कुछ इस प्रकार से टच हो गया था। तो मैंने आर्टिकल का दो पार्ट ख़त्म किया, आर्टिकल मैंने बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से ख़त्म किया है। इससे ऐसा आर्टिकल मैं गारंटी के साथ बोलूँगा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। इस पहले मैं हुआ था इनडेफिनेट हुआ था, इनडेफिनेट हुआ था, ठीक है, इनडेफिनेट हो गया था। अब इसमें हो गया डेफिनेट, इनको दोनों का आई थिंक आपने बहुत ही ताबड़तोड़ से नोट किया होगा। अरे ये नोट नहीं किया तो नोट कर लो, ओके। एंड आशा करूँगा कि आपने अभी तक शेयर नहीं किया, तो दिल तो दुखता है यार, फिर भी कुछ भी हो जाए आपके लिए क्लासेस लेकर आता हूँ। आप शेयर तो करते नहीं, शेयर होना चाहिए यार, शेयर एंड सब्सक्राइब, बस इतना ही सी रिक्वेस्ट है, शेयर एंड सब्सक्राइब करवा दो। मैं आपके लिए बहुत चीज़ें लगाने के लिए तैयार हूँ, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ 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 इतना सा काम कर दो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद एवरीवन। आशा करूँगा ये आपने सब काम कर दिए। अब वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, प्लीज़ आप कमेंट किया करो कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट में बताया करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके।